बाइक हमने रेंट कर ली है और निकल पड़े घूमने के लिए। ये आप देख सकते हैं, हमने ये एवेंजर बाइक ली है और निकल पड़े घूमने के लिए ऐसे रास्ते पंचमढ़ी के। तो आपको आगे का पूरा सफ़र दिखाते रहेंगे हम। भाई अपनी सवारी में भी पेट्रोल डलवा रहे थे, अभी पेट्रोल डलवा रहे थे और ये यहाँ का रेट के बाद पंचमढ़ी का 115। वाह क्या सीन है। तो अभी गर्म पेट्रोल ही डलवाए हैं हमने यहाँ पे। देखो ये है बाइसन लॉज आ चुके हम और यहाँ पे देखो ये बंदर कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं। ऐसा है कुछ बाइसन लॉज का हिसाब, देखो। तो ये अभी आप बाइसन लॉज आ चुके हैं अभी हम और ये है कुछ, देखो यहाँ पे बंदर देखो कितने हैं। ये देखो यहाँ पे ये खा रहे, यहाँ पे देखो ये देखो कैसे है। तो अभी यहाँ से सब टिकट वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। ये कुछ किराया वगैरह ऐसे है यहाँ पे। तो ये है टिकट द्वार, यहाँ से आपको सब जगह की टिकट लेनी पड़ेगी। देखो ऐसा है यहाँ से, देखो यहाँ का भी ये है कुछ प्राइस। देखो ये बाइक से जाने के लिए कुछ ऐसी टिकट लगती है। तो ये एंट्री टिकट 100 रुपये की है एक बाइक की और 2 लोगों के लिए है। और ये है पॉइंट जहाँ जहाँ घूम सकते हैं हम। है बाइसन लॉज देखे, और यहाँ पे बंदर बोर्ड है लिखा हुआ है इधर। ये है बाइसन लॉज देखो। तो ये है बाइसन जंगली भैंस। ये है बहुत पुराना, ये 1981 का बनाया हुआ है। यहाँ पे एक पुरानी लॉज भी हुआ करती थी शायद अंग्रेजों के टाइम से, वो भी शायद से किधर है वो पता नहीं मेरे को। तो अभी जा रहे हैं बी फॉल, ये है उसका रास्ता जाते बी फॉल जाके आपको बता रहे कैसा है नज़ारा वहाँ का। तो अभी यहाँ से कच्चा रास्ता चालू हो गया है बी फॉल के लिए। मेरे ख्याल से ये ट्रैकिंग करना है यहाँ पार्किंग करके बी फॉल के लिए, देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। इधर से आपको एंट्री करवा लेना है वी फॉल के लिए, अपना एंट्री हो गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ वाटरफॉल में नाना सतमना है। तो यहाँ से आप समझ जाओ कि वहाँ जाके नहाने का कोई सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा नज़ारे यहाँ के बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर आप फॉरेस्ट लवर हैं, माउंटेन लवर हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। देख सकते हैं कैसा है माहौल, पीछे देखे रास्ते, आपको आगे का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ऐसा है सब माहौल। तो कल जैसे दोस्तों सफारी की थी हमने जिप्सी पर, तो वैसा ही आज बाइक पे हो रहा है। और ये जिप्सी वाले बिल्कुल भी साइड पे चलते नहीं है, देखो
गाड़ी पार्किंग है। तो दोस्तों बाइक जो है वो इधर आपको पार्क करना रहता है और इधर से फिर अंदर 1.5 किलोमीटर जैसा चल के जाना है बी फॉल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बी फॉल के लिए जब बाइक पे आते हो ना आप, तो आपको जो हम बोल रहे थे कि आपको 1.5 किलोमीटर जैसा चलना है, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ 300-400 सीढ़ियाँ है चढ़ने उतरने की बी फॉल के लिए और वापस चढ़ने की। तो ये मतलब टोटल जो रास्ता हो जाता है वो 3-4 किलोमीटर हो जाता है अगर आप गिनोगे चलने में। तो अभी दो लोग जो वहाँ देख के आए थे काफ़ी थक गए थे और बोल रहे थे कि यार बहुत मतलब ज़्यादा लंबा है ये रास्ता, तो थक जाओगे आप चलने में, ऐसा है कुछ रास्ता। ये देखो उतरते वक्त तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, सीधा सीधा मतलब आप उतर जाओगे क्योंकि ये ढलान है, लेकिन जब आप चढ़ोगे तो पूरा बॉडी का वेट आप पे आएगा, तो काफ़ी फिर तकलीफ़ होने वाली है आपको। तो बी पॉइंट आओ तो यार कम से कम अपना जुगाड़ करके आओ। थक गए? अच्छा ऐसा है क्या? तो कैसा है चलने का? हम लोग पहली बार जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा जा ही रहे। वो लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। देखो दोस्तों रास्ते में ये छोटा सा आम का पेड़ मिला है, अगर किसी ने ये नहीं निकाला और आप 2-3 साल के बाद आओगे तो शायद आपको आम के पेड़ से आम भी खाने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी आते वक्त भी देखा है रास्तों पे काफ़ी आम के पेड़ है। देखो यहाँ पे ये भी है, देखो मतलब ये जंगल में काफ़ी आम के पेड़ है, शायद आप आम के सीजन में आओगे तो खाने मिल सकता। तो दोस्तों अभी जो दो लोग मिले थे वहाँ पे जो बता रहे थे कि ये रास्ता काफ़ी थकाने वाला है, तो वो बोल रहे थे कि सब लोग वहाँ पे नहा रहे। वैसे वहाँ पे बोर तो लगाया है कि यहाँ ना मतलब नहाना जो वाटरफॉल है उसमें नहाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी सब नहाते हैं और ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, तो सभी नहाते हैं वहाँ पे जाके, ऐसा बोल रहे। अभी देखते हैं वहाँ जाके कैसा है सिस्टम। तो ये जिप्सी भी मेरे ख्याल से यहाँ से जिप्सी की पार्किंग होगी, जिप्सी वाले भी शायद थे यहाँ पे। देखा देखा सब कैसे आ रहे हैं नहा के, मतलब सब नहा के ही आ रहे हैं यहाँ। ये बी फॉल पे क्या कितनी भीड़ है आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जिप्सी का पार्किंग वहाँ से आके ये पूरा यहाँ सब जगह पे जिप्सी पार्क कर रखी है। देखो देखो ये पूरा सब जिप्सी का पार्किंग है, मतलब पूरी आपको लग रहा है यहाँ पे अंदर भी सब ऐसा ही है, मतलब भीड़ ज़्यादा लग रही है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो बाइक की जगह पे ये आप जिप्सी कर सकते हैं, और जिप्सी का जो किराया 3,000 रुपये है सब जगह घुमाने का। हाँ ये 3,000 में आप जंगल सफारी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का जितने व्यू पॉइंट है वो आपको सब दिखाएंगे, तो वो उसका 3,000 है। तो आप 4-5 लोग हैं तो जिप्सी करें वो बेटर है। वो तो इधर से भी ऐसे ये पानी बह के जा रहा है उस तरफ, और ये जिप्सी का आप देख सकते हैं दूर तक अभी तक लाइन है। वो मैंने जहाँ पे आपको दिखाया था उसके बाद भी ये भी यहाँ पे सब जिप्सी आया है, तो ये जो है फाइनल जिप्सी का पॉइंट है, मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये स्नैक्स वगैरह का भी है स्टॉल, तो देखो वो नीचे तो जाते रहेंगे बी फॉल पे, तब तक कि ये चना खा लेते अभी तो गोरे जैसे हो जाएंगे चना। मधुमक्खी एकदम पास में है और काफ़ी डरावनी दिख रही है, बहुत ही पास बैठी है अपने। तो अभी हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और ये जो अभी सीढ़ी वाला सिस्टम चालू हो रहा है वो इधर से चालू हो रहा है, तैयार हो जाए बी फॉल का नज़ारा देखने के लिए। चलिए आज तो चुके हैं बी फॉल, ये कुछ ऐसा है नज़ारा भाई बी फॉल का,
अच्छे लोग इधर बैठे हैं। तो कुछ ऐसा है बी फोर, और यहाँ पे ऐसे लोग नहा रहे हैं। बी फॉल मेरे ख्याल से थोड़ा आगे है, लेकिन यहाँ पे लोग नहा तो रहे हैं। ऐसा है यहाँ पे नज़ारा, दो दे रही ना, ऐसा है नज़ारा। भी आगे देख लेते हैं कैसा है फॉल का सिस्टम। ये तो यहाँ तो ऐसे लोग नहा रहे, लेकिन फॉल आगे कैसा है वो देखते हैं। शायद उसका नज़ारा आगे है फॉल का। बी फॉल है वो, दरअसल मधुमक्खी के नाम से बी फॉल बनाया गया है, उस हिसाब से बी फॉल है, ऐसे ही नहीं है। तो मधुमक्खी हो सकती है नीचे, ऐसा चेतावनी यहाँ पे दिया हुआ है। वो ना जाए, देखते हैं इधर कैसे गिर रहा है बी फॉल। ओके, लोग नीचे हैं तो आप नीचे लोग को देख सकते हैं। वो नीचे बी फॉल पे लोग नहा रहे हैं। तो ये है वो नीचे का बी फॉल, वहाँ पे है जो है। तो ये बोर्ड अभी नीचे है, काफ़ी बड़ा है बी फॉल का, और ये पूरा यहाँ से नीचे गिरता है बी फॉल। तो दोस्तों बी फॉल जो है वो ओरिजिनल जो हमने देखा है, वो यहाँ से फिर चढ़ के आगे आगे जाना है ऊपर से, फिर यहाँ से होके नीचे है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अभी चले जाएं, क्योंकि यहाँ तक जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ से, और फिर बाकी जब जगहें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से फिर अभी दूसरी जगह पर चले जाएँ, क्योंकि इतना कुछ है नहीं वहाँ पर, अपने को नहाना है नहीं अभी। तो आप देख सकते हैं कि हम वापस लौट रहे, और ये दलान चढ़ने में कितनी तकलीफें हो रही है, इसी वजह से वो लोग मना कर रहे थे। सीधी सीधी दलान है, उतरते वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप चढ़ोगे तो फिर सांस फूलने लगती है। तो ऐसा सिस्टम है, तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप यहाँ पे ऐसी जगह पे ना जाए। और तो दोस्तों वो बड़ा वाला जो वी फॉल है, वी फॉल वो तो दिखाना रह गया, तो सोचा कि ये छोटा वाला बी फॉल ही दिखा दे आपको। ये भी सीधा बी फॉल में ही जाके वहाँ पे पानी गिरता है, देखो आपका ये उपकार ये वाला जो है जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो ये देख लो, वो तो आपको देखने को नहीं मिला, ना ही हमें देखने को मिला। शायद आप आओ तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये तो ये जो सारा पानी है वही एंड में उस तरफ जाके बी फॉल पे जाता है। तो दोस्तों ये पंचमढ़ी में आम के झाड़ बहुत है, तो आप शायद समर में आओ तो यहाँ पे आपको आम खाने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी आम के पेड़ है। तो और ये जो आम है जनरली जो खट्टे आम होते वो लगते हैं यहाँ पे, तो उससे आचार वगैरह बनते वो है आम। यहाँ अभी अंदर देख सकते सारे आम के जा रहे, तो आप अगर समर में आओ तो आपको कैरी खाने को मिल सकती है। तो दोस्तों सतपुड़ा ये जो पूरी रेंज है, सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व पार्क है उसमें आ जाता है ये पंचमढ़ी मडई चूरना। तो टाइगर का यहाँ पे ऐसा सिस्टम है
के बहुत ही रेयर आपको दिखने को मिलेगी, बाई चांस आप दिख जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के अनुभव ऐसे ही रहते हैं कि यहाँ पे टाइगर बहुत कम दिखने को मिलते हैं। तो अगर आप स्पेशली टाइगर दिखने के लिए यहाँ पे जिप्सी वगैरह सफारी करने जाते हैं तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर दिखने को मिल रहा है। और अगर आप पूरे जंगल का अनुभव लेने जा रहे हैं, जंगल के मज़े लेने जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं टाइगर मतलब सफारी में भी, तो उसके लिए आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, सिर्फ आप टाइगर देखने के मतलब आशा से जाएंगे और वो दिखेगा नहीं, तो फिर आप बेकार में आपका मूड ख़राब हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आंवले का पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ आंवले का पेड़, ये देखो, और एक लगा भी हुआ है इधर, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी बी फॉल के बाद अभी हम जा रहे हैं धूपगढ़ के लिए। धूपगढ़ और रिचगढ़ जो है वो इसी रास्ते पे है दोनों, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी, तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या है सीन वहाँ का। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिचगढ़ का एंट्री पॉइंट है, यहाँ एंट्री करके फिर आप अंदर जा सकते हैं, तो देखते हैं अंदर क्या है देखने के लिए लायक। तो चलो भाई अभी देखते हैं ये धूपगढ़ रिचगढ़ का क्या सीन है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, कुछ आधा किलोमीटर चलने का है अंदर, तो यहाँ पे जस्ट दरअसल गुफाएं हैं बड़ी बड़ी, तो वो देखने का है। देखो ये स्मॉल वैली ऑफ फ्लावर भी देख सकते हैं आप। तो रिचगढ़ में भी बस ऐसा ही है सब, माउंटेन्स और वो सब, बाकी रिच तो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, मतलब यहाँ तो नहीं दिखेंगे, जंगल में शायद दिख भी जाए आगे, लेकिन यहाँ नहीं दिखते, सिर्फ नाम है इसका रिचगढ़। ये है भाई घर, अच्छा ये ऐसी केव है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है रिचगढ़ का, और ये मतलब ऐसी गुफाएं है यहाँ पे बड़ी बड़ी, तो शायद यहाँ पे रिच पहले बहुत रहते होंगे, तो लोगों ने इसका नाम रिचगढ़ रखा हुआ है। उधर से आओ नीचे आओ, खराब नहीं करना। तो कुछ ऐसी है गुफाएं दोस्तों, ये रिचगढ़ की गुफाएं देखो कुछ हिसाब से है, आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों ये जो जगह आप देख सकते हैं मतलब पूरी की पूरी पत्थरों से घिरी हुई है, पहाड़ों से, और सिर्फ यहाँ पे एक रास्ता है और दूसरी तरफ इस तरफ एक रास्ता है। तो अगर कोई जंगली जानवर यहाँ पे है और अगर रीच जो भालू वगैरह आ सकते हैं तो उसको बहुत खाना मिल सकता है अभी यहाँ पे, तो ये सिस्टम है यहाँ का।
झरने वगैरह तो ये दोस्तों ऐसे निकलती है यहाँ से। ये जो गुफा जय देखो यार भाई साहब देखो देखो अब ये जंप लगाने की कोशिश की है। ये दोस्तों इको पॉइंट है और यहाँ पे अगर कुछ लाएंगे तो वो बहुत साउंड करते हैं। तो अभी इको पॉइंट का टेस्टिंग हो रहा है दोस्तों। बराबर आया आया यहाँ वाइल्ड लाइफ काफी डिस्टर्ब होती है। जितने भी गेस्ट आते हैं वो तो एनिमल्स नहीं दिखता है। यदि वो आसपास भी हो तो शोर से चला जाता है। यही कारण है। ओ हीरो ओ वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना जो ये रीच कर है उसका चैप्टर भी समाप्त होता है डिस्कवरी सीरीज। हम यहाँ से अंदर गए थे और घूम के फिर वहाँ से बाहर निकले हैं। ये यहाँ का तो सीन ख़त्म हो चुका है। चलो अभी जाते हैं दुबगढ़। जब हम एंटर हुए थे यहाँ ये रिचगढ़ में तो बहुत कम गाड़ियाँ थी, ये जिप्सी वगैरह। अभी आप देख सकते सारी सब जगह जिप्सी जिप्सी हो गए। तो शायद बी फॉल से आके सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको अभी यहीं पे करते हैं समाप्त। और अगले जो डेस्टिनेशन है वो आपको दिखाते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कर दें।